स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप कैपकट की मदद से किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, चाहे वीडियो के बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन हो या ना हो। सो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो गाइज, मैंने कैपकट ओपन कर लिया और कैपकट ओपन करने के बाद आप जिस भी वीडियो को एडिट करने वाले हो उसे इम्पोर्ट कर लीजिए। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यही करते हैं। पहले मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो के बैकग्राउंड में चाहे कुछ भी हो उसे कैसे आप रिमूव करना है। तो वीडियो आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिंपली ड्रैग करके नीचे ला लीजिए लेयर्स में। ओके, लेयर में लाने के बाद आपको राइट हैंड साइड में एक टैब दिखेगा जैसे वीडियो, ऑडियो, स्पीड, एनिमेशन। ओके, सो वीडियो वाले सेक्शन में बेसिक है, बेसिक के बाद है कटआउट। कटआउट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। कटआउट, कटआउट पे जाइए। यहाँ दो ऑप्शन है आपको, क्रोमा की और ऑटो कट। तो इस जगह में जब भी आपका वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ भी हो, एक कलर का बैकग्राउंड ना हो, वहां आपको यूज करना है ऑटो कट। ऑटो कट पे आप क्लिक कर लीजिए, ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा प्रोसेसिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं। ओके, तो जैसे आपने देखा कि ये अप्लाई हो गया और हमारा वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ओके, तो अभी आपके मन में आ रहा होगा अगर मुझे इसके पीछे कोई बैकग्राउंड ऐड करना होगा तो कैसे करूंगा। तो सिंपली आप उसके लिए भी कोई भी चीज एक इम्पोर्ट कर लो, जो भी आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो, वो एक वीडियो हो सकता है या फिर फोटो। इस केस में मैं यही फोटो इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। इसे भी आप ड्रैग करके ला लो। ओके, इसके जो भी वीडियो का बैकग्राउंड देना चाहते हो जिसे, आपको उसे नीचे रखना पड़ता है, नीचे वाले लेयर में। ओके, सो हम लोग ने रख लिया पर ये काम नहीं कर रहा है, तो एक बार इस वीडियो को मैं कट करके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। सो ये काम करने लगा। ऐसे होता है कभी कभार, अगर काम दिखे ना आपका तो कट करके पेस्ट करिए, काम करने लगेगा। ओके, सो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपके वीडियो में कोई एक सिंगल बैकग्राउंड हो, ग्रीन स्क्रीन हो, तो आप कैसे रिमूव करिएगा। जिसे भी आप रिमूव करना चाहते हैं, जिस वीडियो में ग्रीन स्क्रीन है उसे आप इम्पोर्ट कर लीजिए। ये आ गया, अब इसे मुझे सबसे ऊपर रखना है। ओके, ताकि ऊपर ग्रीन स्क्रीन इसका रिमूव कर पाऊं। अब ग्रीन स्क्रीन हो अगर वीडियो में, तो उसे रिमूव करने के लिए सिंपली आपको वीडियो वाले सेक्शन के नीचे आ जाएगा बेसिक कटआउट मास्क। तो कटआउट में जाके आपको क्रोमा की यूज करना है। क्रोमा की सिलेक्ट करिए और जिस भी कलर का बैकग्राउंड, जिस भी कलर को आप रिमूव करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। इस केस में ये ग्रीन कलर था, उसके बाद प्ले करिए। आगे बढ़े, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। सिंपली आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा।